क्या कहना चाहेंगे जो है देवानंद सर के द्वारा जो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप दर्शन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गणपति बाप्पा मोरिया श्री राम उत्सव समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी देवानंद आमचे मित्र आमचे सहकारी मुंबईचे नेते आज गणपती उत्सवासाठी खास मुंबईच्या अध्यक्षा राखी दीदी जाधव आज या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेले आहेत. खरं मी देवांना यांना फार मी अतिशय चांगल्या म्हणजे गणपती बाप्पाकडे मी प्रार्थना करेन की 2024 देवांनाला प्रसन्न होऊन लोकप्रतिनिधी म्हणून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जावं एवढीच या ठिकाणी गणपती चरणी मी प्रार्थना करेन. धन्यवाद. काफी कार्य करते हैं रास्ते पे उतर, जिस तरह हमने भी अभी एक सवाल मैम से भी किया, रास्ते पे उतर कहीं ना कहीं अगर कोई आता है अन्य इस ओसवारा विधानसभा या गोरेगांव कहीं कोई भी विधानसभा से, उनके लिए जो है उतर जाते हैं मैदान में उनकी रक्षा करने के लिए और कई सेवा करने के लिए, किस तरह से देखते हैं जब जो है उनकी सेवा करते हैं कार्यकर्ता? ये मुंबई शहर है, आपण या ठिकाणी जेवढं काम करू तेवढं कमी आहे. आपण देवांनाने यापेक्षा जास्त काम करावं, लोकांच्या मनामनामध्ये जाऊन बसावं. लोकांनी 2024 मताच्या स्वरूपामध्ये देवांनाने केलेल्या कामाची पोचपावती द्यावी एवढीच या ठिकाणी मी विनंती करेन. मैम आज देवानंद सर के द्वारा जो है पंडाल रखा गया है, गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, आप दर्शन करने आए, क्या कहना चाहेंगे? श्री राम उत्सव समिति जो है यहाँ इस विभाग में बरसोवा विभाग में गणेश उत्सव के माध्यम से इस विभाग में ये मंडल कार्यरत है और मैं समझती हूँ कि मेरे जो सहयोगी है श्री देवाना जी, इनके माध्यम से और इनके सभी सहयोगियों के माध्यम से ये उत्सव यहाँ पे होते वक्त इन 10 दिनों के इस काल में जो विविध कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक उपक्रम के माध्यम से हमारे ये सहयोगी यहाँ पे कार्यरत है, मैं आज यहाँ पे पूजा जो हो रही है और गणराया के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस विभाग में और उसी के साथ इस मंडल के सभी सहयोगी भाई जो है या परिवार के जो सदस्य है इन सभी को यहाँ पे मंगल कामनाएं मैं यहाँ पे दे रही हूँ और उसी के साथ आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विभाग में इस तालुका में एक अच्छे प्रकार का जो काम है मैं मेरे इन सहयोगी भाइयों से अपेक्षित करती हूँ. अग्रवाल जी की बात करें तो लगातार जो है कार्य करते जा रहे हैं, तो इनके कार्यो को किस तरह से देखते हैं जब जो है लोगों को मदद के लिए उतरते हैं? गए एक साल भर से मैं अनेक कार्यक्रम जो मैं देख रही हूँ इस विभाग में सामाजिक सलोखा जो है उसको बरकरार रखने का काम हमारे सहयोगी भाई देवाना जी कर रहे हैं और उसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा जो इस शहर में हम लेकर कार्यरत है उस विचारधारा से लोगों को भी जोड़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है और मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में हमारे इन सहयोगी भाई देवाना जी इनके माध्यम से निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पे बढ़ेगी. आज भी लॉकडाउन चल रहा था, देवाना कहीं ना कहीं रास्ते पे उतर के लोगों को अनाज हुआ और कभी अन्य सामग्री हुआ तो रास्ते पे उतर के लोगों को देते हैं, तो किस तरह से देखते हैं जब जो है एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी जो है लोगों की मदद करते हैं? देखिए खाली कोरोना काम नहीं कहेंगे लेकिन हमेशा ही समाज के साथ जुड़े रहने का काम इन्होंने किया है और मैं समझती हूँ कि लोग इस बात को जरूर देखते हैं, उसका अनुभव भी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे जो कार्य है इसमें एक अच्छी तरह के विचारधारा के लोगों को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं. आने वाले इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, पास ही है जो है करीब, ओशिवारा विधानसभा से क्या जो है आ सकते हैं? ओशिवारा विधानसभा जो एक सेक्युलर वोट बैंक है मैं समझती हूँ यहाँ पर और कई सालों से लोगों ने विभिन्न पक्षों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है काम करने के लिए, तो मैं समझती हूँ इस बार राष्ट्रवादी को भी दी जाए. अलीम खान जी, विकी डिसूजा जी, असलम भाई, इस्लाम भाई, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गणपति जी का इतना बड़ा फंक्शन में इन्होंने इतना साथ दिया, सहकार्य किया. और क्या है, गणपति बप्पा का जो ये फेस्टिवल है ये एक एकता का प्रमाण देता है कि आज का जो माहौल चल रहा है जिस तरीके से एक भाईचारा होना चाहिए जिसमें जो अपने देश में इतनी सारी फूट पड़ी है इनको सब रोकने के लिए हम गणपति बाप्पा से सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं कि आगे जाके सबको सद्बुद्धि दे और सब जो मिलजुल के एकता से आगे बढ़े और बाप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे और सारी परेशानी दूर करे. और जैसे कि आपने अभी पूछा हमको
कि गणेशोत्सव तो ये कई सालों से आने वाला फंक्शन है, जिसमें सब लोग अपने अपने दुख दर्द मिटा के हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ होकर ये फंक्शन मनाया जाता है ये हमारे जोगेश्वरी में। और आज की एक और ख़ास बात है कि हमारे राष्ट्रवादी के एमएलए और हमारे राष्ट्रवादी के युवा नेते रोहित जी पवार हमारे यहाँ पर आने वाले हैं अभी कुछ ही समय में, और जयंत पाटिल साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, जिनके गाइडेंस से आज हम इधर तक सब एक एक नुक्के एक एक कोने कोने में जा जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहे, सब उनके मार्गदर्शन की वजह से। और हमारी मुंबई की जो कार्याध्यक्ष है जो हमारी राखी दीदी जिन्होंने हमको आज यहाँ तक सपोर्ट करके आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो उन्होंने एक मजबूत पिलर बन के वो खड़ी है, और हमारे जो इधर के जो जिला अध्यक्ष है अजीतराव राणे साहब, इनके सबके आशीर्वाद से ये फंक्शन कार्यक्रम इधर आज कर पा रहे हैं हम। और हमारी यहाँ की तमाम जो हमारी ओशिवारी की जो पुलिस कर्मचारी है उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको बहुत सहायक किया, मदद किया है। और बस गणपति बप्पा मोरिया यही बात करूँगा। सर कहीं बप्पा की बात करेंगे, 7 दिन होता है, 11 दिन होता है, काफी टाइम रखा जाता है, तो बप्पा आपके साथ कितने दिनों तक रहेंगे? बप्पा तो हमारे दिल में है और वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, बट अभी इस तरीके हमारा जो ये टाइम जो गणपति का जो हमने जो महोत्सव रखा है ये हमारा 10 दिन का गणपति है, और बापा का आगमन हुआ है अभी 28 को विसर्जन रहेगा, 28-29 को विसर्जन होगा, विसर्जन का प्रोग्राम रहेगा। सर जिस तरह से आपने कहा कि भाईचारा बना के रखना चाहिए।